Good morning, students. Welcome to online political science class. And today we are moving towards a new chapter. That is chapter 7. Okay. And the name of the chapter is Rise of Popular Movements. Now, what is popular movements? Popular movement means some types of movement which is done for some motive. Okay. कुछ उद्देश्य होता है, कुछ intention होता है, कुछ एक चीज को बदलाव लाना, सामाजिक बदलाव लाना. ठीक है, इकोनॉमिक बदलाव लाना या फिर किसी पर्सनल कारण किसी चीज़ का मूवमेंट करना, ये सब. जैसे कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट चिपको मूवमेंट जो है एनवायरमेंटल मूवमेंट, एंटीरेक मूवमेंट जो है अबाउट एल्कोहलिज्म, उसके बाद है भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट जो है अबाउट दी फार्मर्स, इंडियन फार्मर्स. तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो होता है उसको बोलते हैं पॉपुलर मूवमेंट्स. ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये दो तरह का होते हैं. वन इज पार्टी बेस्ड मूवमेंट, वन इज नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट. पार्टी बेस्ड मतलब जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन जो होता है उसमें मूवमेंट जो होता है उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी या फिर पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्टी बेस्ड मूवमेंट. और नॉन पार्टी बेस्ड मूवमेंट मतलब जिसमें खाली इंडिविजुअल लोग जो है या फिर ग्रुप जो होते हैं, इंडिविजुअल ग्रुप जो होते हैं या फिर एनजीओस जो होते हैं, दे गो ऑन एंड डास ए मूवमेंट. जैसे कि चिपको मूवमेंट, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे कि एंटी अरेक मूवमेंट. ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैं लेती हूँ अभी दो एरिया आज मैं कवर करती हूँ. ठीक है, तो ये फर्स्ट जो एरिया है इसको बोलते हैं चिपको मूवमेंट. That is happened in early 1970s. And where that does it happen? It happened in Uttarakhand. ठीक है, उत्तराखंड में एक जगह है. ओके, एक दो तीन, एक जगह नहीं, दो तीन विलेजेस है जिसमें क्या होता है, मतलब अभी हम जैसे कि गवर्नमेंट ने किया है ना, बहुत सारे जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत सारा जगह को सील कर दिया है या फिर फेंसिंग बैठा दिया गया है कि अभी आप पेड़ पौधा काटना मना है, गाछी काटना मना है. दिस इज ओके प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरनमेंट. ओके, तो ये है. तो अभी इस सब कारण के लिए उस जो विलेजेस जो है ना उसमें भी गवर्नमेंट ने बैन किया था कि लोग विलेजर्स जो है वहाँ के जो विलेजर्स है दे कैन नॉट कम एंड एंड टेक आउट एनी टाइम एनीथिंग कैन नॉट बी कट डाउन. ओके, वहाँ पे जो स्टीम है, ब्रांचेस है, पेड़ पौधे है, ये सब काट नहीं सकते. ठीक है, तो ये सब नहीं काट सकते, इसके कारण उन्होंने बैन बैठाया गवर्नमेंट ने. तो यहाँ पे जो विलेजर्स जो है ये लोग यहाँ पे काट उट नहीं करते थे ये सब कुछ. ओके, जो भी यहाँ पे गाछी है, पेड़ पौधा है. लेकिन एक बार एक स्टोरी ऐसा हुआ कि वहाँ पे गवर्नमेंट ने लोगों को तो काटने नहीं दिया. ओके, बैन है, लेकिन फिर एक स्पॉट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को क्या किया, उन्होंने एक जगह को, एक पैच ऑफ लैंड, एक लैंड को, वहाँ पे जितने गाछी थे वहाँ पे उनको काटने का परमिशन दे दिया. और ये जो चीज़ जब किया उन्होंने, उसको विलेजर्स लोगों ने फर्स्ट तो उन्होंने नहीं सुना ये बात, पर जब उन्होंने ये सुना, जब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन आया, दैट टाइम दे प्रोटेस्टेड. उन्होंने एक साथ रात में उन्होंने मीटिंग किया, दे हैव ऑल डन ए मीटिंग, और उन्होंने बोला कि हम उसके अगेंस्ट में हम प्रोटेस्ट करेंगे. ठीक है, तो उसके बाद जब सुबह में जब गवर्नमेंट लोग जब आए, जब इसको काटने के लिए बुलडोजर्स और ये सब कुछ बहुत सारे चीज सामान इंस्ट्रूमेंट लेके आए काटने के लिए पेड़ पौधा को, दैट टाइम ऑल द विलेजर्स इंक्लूडिंग ओमेन ऑल्सो केम आउट एंड दे हैव ट्राइड टू हग डाउन द ट्रीज. हग डाउन मतलब उसको एक एक ट्री को उन्होंने पकड़ के बैठे हो. ठीक है, पकड़ के रख दिया, और वहां से जो गवर्नमेंट लोग जो काटने के लिए आए जो उनको काटने नहीं दिया पेड़ पौधे को. तो इसका नाम गिर गया चिपको मूवमेंट या फिर हगिंग ऑफ द ट्रीज. हगिंग मतलब पकड़ के बैठना, चिपको मतलब भी पकड़ के बैठना. तो देट केम टू बी नोन एज चिपको मूवमेंट इन अर्ली 1970s. तो इंडिया में ये जो स्टोरी हुआ है, चिपको मूवमेंट जो हुआ, ये इंडिया का फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट था ये. ओके, बोला जाता है. अच्छा, इसके बाद ये जो उन्होंने हगिंग किया, हगिंग करने के इतने टाइम वो लोग रुके रहे वहाँ पे कि गवर्नमेंट जो लोग काटने के लिए आए थे, दे कुड नॉट कट डाउन द ट्रीज. ओके, उसके बाद इसमें इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गया. इसके अंदर में बहुत सारा आंदोलन हुआ यहाँ पे, और इसके बाद देखा गया कि गवर्नमेंट ने इसको वो कर दिया, मतलब काटने नहीं दिया. और उसके ये मूवमेंट बहुत दिन तक चला, और चलने के बाद उल्टा गवर्नमेंट ने या फिर कोर्ट की तरफ से एक फैसला आया कि
बहुत सारे जगह पे, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे कम है वहाँ पे आप पेड़ पौधे को नहीं काट सकते, फॉर कमर्शियल यूज़, फॉर गवर्नमेंटल यूज़ भी आप पेड़ पौधे को नहीं काट सकते। और उन्होंने आदेश दिया, कोर्ट ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि नेक्स्ट 15 ईयर्स, 1970 से लेके नेक्स्ट 15 ईयर्स तक कोई पेड़ पौधा नहीं काटा जाएगा जिस जगह पे, बहुत सारे जगह पे पेड़ नहीं है या फिर कम पेड़ है। ओके, सो इट वॉज ए बिग मूवमेंट अगेंस्ट एनवायरमेंट, इकोलॉजिकल मूवमेंट है इसको बोला जाता है, इसको ओमेस मूवमेंट भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो फीमेल लोग दे केम आउट एंड दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस थिंग्स। और इसको फिर बोला जाता है कि जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल लोग होते हैं ना, ट्राइबल लोग या फिर जो इंटीरियर विलेज पीपुल जो है, तो यह विलेज पीपुल ने तो बोला था कि अगर इस जगह पर कुछ चीज़ काटना है तो हमारा परमिशन लेना पड़ेगा, बिकॉज एक गणतंत्र कंट्री है एंड इन डेमोक्रेटिक कंट्री पीपुल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड, कि कुछ करने के आगे उनको कंसल्ट करना, ऐसे ही आके काट दिया, ऐसे ही आके कुछ कर दिया, ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसके कारण ये मूवमेंट बहुत फेमस हो गया एंड द फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट दैट केम टू बी नोन एज चिपको मूवमेंट। तो आई थिंक यू नो अबाउट द चिपको मूवमेंट, आपको थोड़ा बहुत पता है, आपने किताब में आगे में पढ़ा है चिपको मूवमेंट। तो इट वॉज ए बिग मूवमेंट अगेंस्ट एनवायरमेंट इन इंडिया। इसके साथ अभी तो हम देखते हैं कितने सारे मूवमेंट आ गया है, ओके, अगेंस्ट द एनवायरमेंट, क्योंकि हम हमारे लिए एनवायरमेंट बहुत जरूरी है और हमें ये प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया चिपको मूवमेंट। अभी हम आते हैं और एक जगह पे, मैंने और एक जगह कवर किया, दैट इज एंटी एरेक्ट मूवमेंट इन 1990s, ओके, एंड दिस इज प्रोटेस्ट अगेंस्ट एल्कोहल, एल्कोहल, ओके, जो शराब, ये जो शराब है ये बहुत बुरी चीज़ है और इंडिया में ये शराब हर साल लोगों को, बहुत सारे लोगों को लेके चला जाता है, ओके, बहुत सारे लोग दे लॉस देयर लाइफ बिकॉज ऑफ दिस एल्कोहलिज्म। ये एक स्टोरी हुआ था इन्हें, इसको क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश, ओके, स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं नेलोर डिस्ट्रिक्ट। तो नेलोर डिस्ट्रिक्ट के जो विलेजेस हैं वहाँ पे क्या हुआ था, जो होता है ना जो बड़े लोग, जो एडल्ट लोग, बड़े लोग जो पढ़ते हैं, ओके, जो स्कूल नहीं जाते, एडल्ट स्कूल्स होते हैं वहाँ पे पढ़ते हैं ये लोग, विलेजर्स जो है, तो ये लोग यहाँ, उनका एक स्कूल था जो लोग पढ़ाई करते थे वहाँ पे, ओमेंस बेसिकली ओमेंस। तो वहाँ पे जब उन्होंने पढ़ाई करते करते उन्होंने एक बार इशू उठाया कि लोग जो उनके जो हस्बैंड्स लोग होते हैं ना, या उनके घर के जो मेल पीपुल आर देयर, दे कम विद एल्कोहल, लोग शराब पी के आते हैं, शराब पी के आते हैं, वो लोग फाइट करते हैं घर पे, लोग मारामारी करते हैं या फिर सब पैसा लेके चले जाते हैं, उनका जो फैमिली जो चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये सब उन्होंने चर्चा किया, उन्होंने डिस्कस किया। उसके बाद सब जो ओमेन है उन्होंने एक प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है, अगेंस्ट एल्कोहल। उन्होंने नेक्स्ट दिन से उन्होंने प्रोटेस्ट मूवमेंट शुरू किया और डिफरेंट जो विलेज है, डिफरेंट आसपास के जो विलेज है, सब विलेज में ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट की तरह स्टार्ट हो गया। और ये इतना जोरदार से चला ये मूवमेंट कि सब घर के जो जितने भी फीमेल लोग थे ना, सब निकल के आ गए एंड दे हैव प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस मूवमेंट। तो इसका नाम गिर गया एंटी एरेक्ट मूवमेंट, एरेक्ट मतलब एल्कोहल, तो एंटी एरेक्ट मूवमेंट, ठीक है। सो दिस इज ए फेमस मूवमेंट अगेंस्ट एल्कोहलिज्म। उसके बाद ये प्रोटेस्ट होते गया और जो यहाँ पे जो मतलब नेलोर डिस्ट्रिक्ट में जो ऑक्शन लगा था ना, मतलब एल्कोहल का, जब ये बहुत सारे लोग एल्कोहल का कॉन्टैक्ट लेते थे या फिर ये सब होता था ना वहाँ पे, तो दिस थिंग्स ऑक्शन जो था वो भी थाम गया, उसको भी स्टॉप कर दिया और 17 times, एक बार नहीं 17 times वो जो ऑक्शन है उसको थमा गया है, उसको रुका गया है, उसको स्टॉप किया गया है। सो दिस इज अ बिग प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट एल्कोहलिज्म इन इंडिया। उसके बाद ये इश्यू इतना बड़ा हो गया कि ये जो फीमेल लोग है, बिकॉज बेसिकली इंडिया में देखा गया है कि फीमेल जो लोग है वो अपने घर के काम करते हैं, इन रूरल एरिया, ओके, घर के काम करते हैं, बच्चे को संभालते हैं, दिस थिंग्स ओनली इन द हाउस होल्ड थिंग्स दे आर इन्वॉल्व। अभी इस मूवमेंट से क्या हुआ, दे वर इन्वॉल्व इन डिफरेंट एक्टिविटीज, उनका इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, इसके बारे में उन्होंने चर्चा करना शुरू किया एंड दे हैव फॉर्मड एन एसोसिएशन उसके बाद, ओके, ये बहुत बड़ा हो गया आस्ते आस्ते। उसके बाद देखा गया इंडिया में बहुत सारा वुमेन्स एसोसिएशन केम इन टू बी, एक बड़ा एसोसिएशन है जो सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड एसोसिएशन ऑफ वुमेन, ओके, केम इन टू बी। और उसके बाद ये जो वुमेन्स एसोसिएशन है, डिफरेंट टाइप्स का वुमेन्स एसोसिएशन है इंडिया में और मूवमेंट्स ये हुआ और इसके बारे में, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फीमेल्स इशू होते हैं ना,
एक है डोमेस्टिक वायलेंस, ये एल्कोहल, एल्कोहल शराब पी के आके पिटा पिटी करना मारना, ये सब कुछ रेयर रेयर नहीं, बहुत कॉमन बात है इंडिया में ये सब कुछ. ओके, दिस थिंग्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसके बाद चिल्ड्रंस इश्यूज, उनके खुद का इश्यूज, फीमेल का जो खुद का इश्यूज, डाउरी सिस्टम प्रॉब्लम, ये सब इश्यूज इतना कुछ चर्चा होने लगा इन द वुमेन्स एसोसिएशन. और धीरे धीरे ये मूवमेंट इतना बढ़ गया कि वुमेन्स केम इन टू बींग एंड दे हैव डिमांडेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पोलिटिकल फील्ड ऑल्सो. ओके, देखो आप कितने, अभी देखा जाता है ना बहुत सारे जगह पे वुमेन्स पंचायत है, वुमेन्स सरपंच है, जिला परिषद में वुमेन्स लोग बैठे हैं, वुमेन्स वुमेन्स फीमेल लोगों ने बहुत सारे जगह को जगह पे कैप्चर कर दिया. बहुत सारे जगह पे जाके लोगों ने एम्प्लॉय होने लगे हैं, बहुत सारे फीमेल्स केम आउट ऑफ देयर होम. रूरल एरिया में भी देखा जाता है बहुत सारे, अर्बन तो है ही है, रूरल में भी देखा जाता है बहुत सारे औरतें जो है, बहुत सारे वुमेन्स जो है, दे केम आउट ऑफ देयर होम एंड दे हैव स्टार्टेड टू हैव देयर ओन एसोसिएशन, ओन डिग्निटी, और अपने स्टेटस के साथ, अपने अपने पोजिशन के साथ और फाइट करते हैं. ओके, तो उसके साथ जो वुमेन्स एसोसिएशन है, उन्होंने जब डिमांड किया तो पॉलिटिकल लाइफ में 33% उसको रिजर्वेशन मिल गया है. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वुमेन्स फॉर वुमेन्स पीपल. ओके, जो हमारे इंडिया के जो वुमेन लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है ये. उसके साथ ये जो डिफरेंट टाइप्स का वायलेंस है, ये सब कुछ भी अभी इशू होने लगा है, मटर्स होने लगा है, और उसके साथ बहुत सारे लोग इसको फाइट करने लगे हैं अभी. तो ये जो वुमेन्स इश्यूज है, ये बहुत, ये चिपको मूवमेंट और एंटी रेप मूवमेंट दोनों में वुमेन्स लोग इन्वॉल्व हुए हैं. ओके, तो और एंटी रेप मूवमेंट तो पूरा पूरी वुमेन्स मूवमेंट हो गया ये पूरा पूरी. तो देखा जाता है इंडिया में भी लोग कॉन्शियस होने लगे हैं, धीरे धीरे लोग कॉन्शियस होने लगे हैं. और बेसिकली फीमेल लोग जो लोग हैं ना, जो सिर्फ हाउस होल्ड के काम करते थे, अभी दे केम आउट ऑफ देयर हाउस एंड दे हैव स्टार्टेड टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, सम वे और दी अदर. ओके, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. तो ये जो लेसन है, इसमें हम पॉपुलर मूवमेंट्स में हम इस तरह का बहुत सारा मूवमेंट्स पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, तो ये दोनों दो मैंने आज स्टार्ट किया, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रोसीडिंग करेंगे इन द डिफरेंट एरिया. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू.